सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के व्याकरण वाले भाग में अपठित गद्यांश में छठे वाला अपठित गद्यांश करेंगे। इससे पहले 5 वीडियो में मैं आपके 5 अपठित गद्यांश समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप उनको भी देख सकते हैं। छठे वाला जो आपका अपठित गद्यांश है, पहले हम अपने अपठित गद्यांश की हिंदी करेंगे, उसके बाद हम इनके प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अधुना संपूर्ण भारत देश से प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते। अधुना अधुना का अर्थ है अब। संपूर्ण पूरे भारत देश से भारत देश में प्रदूषणम प्रदूषण एका गंभीरा एक गंभीर समस्या समस्या वर्तते बताते हैं। आज पूरे देश में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बताते हैं। प्रदूषण से त्रिय प्रकार सन्ति। प्रदूषण से प्रदूषण के त्रिया माने तीन प्रकार प्रकार सन्ति माने है। प्रदूषण के तीन प्रकार हैं जल प्रदूषणम वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम च। जल प्रदूषण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अद्तवे जनाहा भौतिक साधनै संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। अद्तवे आजकल जनाहा सभी लोग भौतिक साधनै भौतिक साधनों के द्वारा संपन्नम जीवनम भौतिक साधनों से संपन्न जीवन जीवितुम इच्छन्ति जीने की इच्छा करते हैं। आजकल सभी लोग भौतिक साधनों से संपन्न जीवन जीने की इच्छा करते हैं। एतस्य कृते ते निर्भीका भूत्वा प्रकृतिम प्रति अत्याचारम कुर्वन्ति। एतस्य कृते इसके लिए ते माने वे सभी निर्भीका निर्भीक या निडर भूत्वा माने होकर कृतिम प्रकृति के प्रति माने प्रति अत्याचारम अत्याचार कुर्वन्ति कर रहे हैं। इसके लिए वह सभी निडर होकर प्रकृति पर अत्याचार कर रहे हैं। जनहा वृक्षा आरोपणम तु न कुर्वन्ति परंतु वृक्षाणाम छेदनम अवश्यम एव कुर्वन्ति। जनहा सभी लोग वृक्षारोपणम पेड़ों को लगाना तू माने तो ना माने नहीं कुर्वन्ति करते परंतु वृक्षाणाम पेड़ों को छेदनम काटना अवश्य एव अवश्य ही कुर्वन्ति करते हैं। सभी लोग पेड़ों को लगाना तो नहीं करते लेकिन उनका कटान अवश्य ही करते हैं। यंत्रालयानाम निर्माणम तीव्र गत्या भवति। कारखानों का निर्माण भी बहुत तेज गति से होता है। वाहनानाम संख्या अपि प्रतिदिनम वर्धते एव। वाहनों की संख्या भी हर रोज बढ़ ही रही है। यस्मात् कारणात् यंत्रालयेभ्यः वाहनेभ्यः निर्गतः विस्मिश्रित रासायन पदार्थ धूमः ध्वन्यः च संपूर्णं वातावरणं प्रदूषणं कुर्वन्ति। जिस कारण से कारखानों वाहनों से निकलने वाला विस्मिश्रित रासायन पदार्थ धुआं और ध्वनि पूरे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। प्रदूषण कारणात् बालाः वृद्धः युवान युवतः च रोगग्रस्तः भूत्वा समयात् पूर्वमेव मृत्युं प्राप्नुवन्ति। प्रदूषण कारणात् प्रदूषण कारण से बालः बालक वृद्धः वृद्ध युवान युवा युवतः युवतियां और रोगग्रस्तः रोगग्रस्त भूत्वा माने होकर समयात् पूर्वम समय से ही पूर्व मृत्युं मृत्यु को प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। प्रदूषण के कारण ही बालक बूढ़े जवान और युवतियां रोगग्रस्त होकर समय से पूर्व ही मृत्यु प्राप्त करते हैं। वयम एतस्याः समस्याः समाधानं मिलित्वा एव कुर्याम। वयम माने हम सभी को एतस्याः समस्या इस समस्या का समाधानं समाधान मिलित्वा एव मिलकर ही कुर्याम करना चाहिए। हम सभी को इस समस्या का समाधान मिलकर ही करना चाहिए। अस्माकं मनसि सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावना भवेत्। अस्माकं करते हैं हमारे मनसी मन में सर्वे भवन्तु सुखिना सभी सुखी होवे इति माने इस प्रकार की भावना भवे भावना होनी चाहिए। हमारे मन में सभी सुखी हो इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार हमारे अपठित गद्यांश का यह अर्थ है। इसकी हिंदी आप एक बार दोबारा देख लीजिए। आजकल पूरे भारत में प्रदूषण एक गंभीर समस्या हो गई है। प्रदूषण तीन प्रकार का होता है जल प्रदूषण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण।
आजकल सभी लोग भौतिक साधनों से संपन्न जीवन जीने की इच्छा करते हैं। इस कारण वह बिना भय के प्रकृति पर अत्याचार करते हैं। सभी लोग वृक्ष तो नहीं लगाते, परंतु वृक्ष का कटान अवश्य ही करते हैं। कारखानों का निर्माण भी बहुत तेज गति से हो रहा है। वाहनों की संख्याएं भी हर रोज बढ़ ही रही है, जिस कारण से कारखानों से और वाहनों से निकलने वाला विष मिश्रित रासायनिक पदार्थ, धुआं और ध्वनि संपूर्ण वातावरण को दूषित कर रहे हैं। प्रदूषण के कारण बालक, बूढ़े, जवान और युवतियां सभी रोगग्रस्त होकर समय से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हम सभी को इस समस्या का समाधान मिलकर ही करना चाहिए। हमारे मन में सभी सुखी हों, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अपने अपठित गद्यांश का अर्थ करने के बाद अब आप अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक पदे उत्तरत एक पद में उत्तर दीजिए। के साम निर्माणम तीव्र गत्या भवति, किसका निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका यंत्रालय नाम कारखानों का। के प्रकृति प्रति अत्याचारम कुर्वन्ति, कौन प्रकृति पर अत्याचार कर रहे हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका जनाः, सभी लोग। प्रश्न संख्या दो है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जनाः कीदृशं जीवनं जीवितुम् इच्छति, इस वाले प्रश्न का उत्तर है, जनाः भौतिक साधनैः संपन्नं जीवनं जीवितुम् इच्छति, सभी लोग भौतिक साधनों से संपन्न जीवन जीने की इच्छा करते हैं। के वातावरणं प्रदूषितं कुर्वन्ति, कौन वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है, यंत्रालयेभ्यः वाहनेभ्यः निर्गतः विषमिश्रित रासायन पदार्थः, धूमः, ध्वन्यः च संपूर्णं वातावरणं प्रदूषितं कुर्वन्ति। कारखानों वाहनों से निकलने वाला विषमिश्रित रासायन पदार्थ, धुआं और ध्वनि संपूर्ण वातावरण को दूषित कर रहे हैं। प्रश्न संख्या तीन है, निर्देश अनुसारम उत्तरत निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों में जैसा आपको निर्देश दिया जा रहा है, उसके अनुसार ही आपको इनका उत्तर करना है। निर्भीकः इति पदस्य विशेष्य पदम किमस्ति, जो आपके अपठित गद्यांश में निर्भीक पद है, उसका विशेष्य पद क्या है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका भूत्वा होकर। कुर्याम इति क्रियापदस्य कृत्य पदम किम, कुर्याम जो आपका क्रियापद है, उसका कर्ता कौन है या कृत्य पद क्या है आपके अपठित गद्यांश में। तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है, वयम, हम सब। जनाः वृक्षारोपणम् न कुर्वन्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् किम्, सभी लोग वृक्षों का आरोपण नहीं करते, इसमें अव्ययपद क्या है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका न। दुखिनः इति पदस्य विलोम पदम् गद्यांशे किम् प्रयुक्तम्, दुखिनः जो आपका इस प्रकार का पद है, उसका विलोम पद गद्यांश में क्या प्रयोग हुआ है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका सुखिनः। प्रश्न संख्या चार है, अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम् लिखत, इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। इस वाले अनुच्छेद के मैंने तीन आपके शीर्षक लिखे हैं। यदि आपके शिक्षक या शिक्षिका इससे भिन्न कोई शीर्षक कराती हैं, तो आप उनके अनुसार ही करेंगे। यह जो शीर्षक है, यह मेरे अनुसार है। इसमें आपका पहला शीर्षक है प्रदूषणम्, दूसरे वाला शीर्षक जो मैंने बनाया है वह आपका है पर्यावरणम प्रदूषणम्, और आपका तीसरा जो शीर्षक है वह आपका है अस्माकम पर्यावरणम। इनमें से आप कोई भी एक उचित शीर्षक लिख सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, यदि आपकी शिक्षिका या शिक्षकगण इनसे भिन्न कोई शीर्षक कराते हैं, तो आप उसको ही करेंगे। यहाँ पर आपके अपठित गद्यांश भी पूर्ण होते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।